बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं चिकन टिक्का फ्राइज़ बनाने लगी हूँ, या पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी आप इसको कह सकते हैं। ये मैंने चार बड़े आलू जो हैं वो काट के रखे हुए हैं, 100 ग्राम चिकन के ये छोटे छोटे पीसेस कर लिए। इसमें ये देखें, एक हाफ टी स्पून नमक, काली मिर्च, लहसुन अदरक हाफ हाफ टी स्पून, ये सारी डाल दी है। और ये घर का बना हुआ टिक्का मसाला है, ये हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा ये डाल दूंगी। 1 टीस्पून विनीगर, सोया सॉस 1 टीस्पून, और हॉट सॉस, ये सब चीज़ें 1-1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी। और इसको मैरिनेट करके घंटा डेढ़ के लिए रख दूंगी। अगर टाइम है तो 2 घंटे भी आप रख सकते हैं। ये लीजिए, ये मिक्स करके रख लूंगी, फिर जब बनाने लगूंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये तकरीबन 1.5 घंटा हो गया मैंने मैरिनेट करके रखा था। अब इसको मैं टिक्के इसके बना लेती हूँ और साथ फ्राइज़ तैयार कर लूँगी। उसके बाद ये चीज़ है जो ऊपर डलेगी, काली मिर्च, नमक डलेगा और चिली गार्लिक सॉस मैं वो इस्तेमाल करूँगी। अगर आप केचप इस्तेमाल करें तो थोड़ी सी, फिर ऊपर चिली जो फ्लेक्स हैं वो थोड़े से मैं आपको बताऊंगी, वो डाल लेना। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल के इसको मैं अब फ्राई कर लेता हूँ। पहले थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसको दम दे के, पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें खुद ही अपना पानी छोड़ देना। ये फ्राइज भी मैंने डाल दिए हैं, लेकिन पहले हाई फ्लेम और अब मैं मीडियम और लो के दरमियान में रखूँगी। लो नहीं करनी, फिर ये ऑयल ज़्यादा जज़ब करते हैं। बस ये फ्राइज होंगे, उधर चिकन हो रहा है, फिर आपको दिखाती हूँ। ये लेंगी, मेरे फ्राइज भी तैयार हैं और ये टिक्के भी तैयार हो गए। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ सब कुछ। अगला, ये फ्राइज मैंने डाल ली हैं, अब इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये केचप सारी डालूंगी। इसके ऊपर चिकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। मैंने मसाले पहले बहुत ज़्यादा नहीं डाले थे, क्योंकि गार्लिक सॉस डालनी थी, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं मैंने डाले। और अब चीज़, ये मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अब आपने इसको, जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती, आपने चूल्हे के ऊपर रखना है। ये सारी मैंने जो है चीज़ वो टुकड़े करके छोटे मैंने डाल दिए, और ये अब इसके ऊपर ढक्कन, जब तक ये सारी मेल्ट नहीं हो जाती। बहुत आसान है, घर में वही आलू है, वही चिकन है, वही वो है चीज़, तो इतने मज़ेदार ये फ्राइज़, पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनेंगे कि मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा मैं ओरिगैनो भी डालती हूँ, क्योंकि पहले डालती थी, अब मैंने कहा थोड़ा सा ये भी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये लीजिए, ये जी माशाल्लाह तैयार हो गया। ये देखें खुशबू इस कदर अच्छी आ रही है। उम्मीद है आप भी इस तरह ज़रूर बनाएंगे, अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, बड़ा मज़ा आता है। मेरे चैनल पकवान को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपने नेक इरादों में कामयाब करें।